ANI यूपी उत्तराखंड ने 16 जनवरी को एक ट्वीट किया जिसमें कुछ तस्वीरें और नोएडा के मजदूरों के हवाले से बताया गया कि उनके पास कोई काम नहीं है क्योंकि कर्फ्यू के कारण कंपनियां बंद हैं। ANI ने एक नए ट्वीट में ये भी स्पष्ट किया कि अभी कोई कर्फ्यू नहीं है और मजदूरों की बातों को ज्यों का त्यों ट्वीट में रखा गया है। इसके बाद यूपी सरकार की फैक्ट चेकिंग विंग ने इस ट्वीट को झूठ करार देते हुए बताया कि ये तस्वीरें यूपी की नहीं है और वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। फैक्ट चेक में किसी अधिकारी के हवाले से ऐसा बताया गया था लेकिन अधिकारी का नाम नहीं लिखा था। तो ये तस्वीरें यूपी की है या नहीं, आइए जानते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि ANI ने मजदूरों से बातचीत के आधार पर एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में मजदूरों को नोएडा के खोडा के लेबर चौक का बताया गया है। ANI के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स, लेटेस्टली लोकमत टाइम्स आदि ने भी इस मामले पर रिपोर्ट पब्लिश की थी। ANI ने जो चार तस्वीरें शेयर की हैं उनमें कुछ लैंडमार्क्स और बिल्डिंग दिखती हैं। यूट्यूब पर कीवर्ड सर्च करने से हमें मोजो स्टोरी की एक वीडियो रिपोर्ट मिली। इसमें भी माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में ही बात की गई है। मोजो स्टोरी की रिपोर्ट और ANI की तस्वीरों में काफ़ी समानता दिख रही है। हमने एक स्थानीय व्यक्ति से भी बात की। उन्होंने हमें इस जगह की कुछ और तस्वीरें भेजी जिनमें दीवार पर नोएडा डिफेंस एकेडमी लिखा हुआ साफ दिख रहा है। इस बात की तसल्ली के लिए ऑल्ट न्यूज़ ने गूगल मैप्स का सहारा लिया। आप देख सकते हैं कि नोएडा लेबर चौक और डिफेंस एकेडमी मैप पर कुछ दूरी पर ही स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के फैक्ट चेकिंग विंग ने फैक्ट चेक में दावा किया कि ये तस्वीरें यूपी की नहीं हैं, लेकिन ये फैक्ट चेक गलत है। तस्वीरें असल में यूपी की ही हैं।